जयंत बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 10th चैप्टर तरलों के यांत्रिकी गुण यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड्स के अंतर्गत आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म ब्रूनली या कह लीजिए बर्नौली का प्रमेय पढ़ने जा रहे हैं, बर्नौली थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये बर्नौली थ्योरम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपसे हमेशा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो इसका स्टेटमेंट भी पूछा जाता है और फिर इसका जो है सत्यापन यानी इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले बर्नौली के प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है, उसमें आप ध्यान से समझें। जब कोई असंपीड्य तथा अस्यान द्रव, असंपीड्य और अस्यान का मतलब होता है आदर्श द्रव, तो जब कोई असंपीड्य तथा अस्यान द्रव असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद, असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले नली का मतलब होता है ऐसी नली जिसका एक सिरा चौड़ा हो दूसरा सिरा पतला हो, तो यह असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की नली है। तो जब कोई असंपीड्य तथा अस्यान द्रव यानी कि आदर्श द्रव असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, तो नली के प्रत्येक बिंदु पर द्रव के एकांक आयतन के सभी प्रकार के ऊर्जाओं का जो योग होता है वो नियतांक होता है। और आपको बताया गया था कि बहते हुए द्रव के अंदर जो सबसे पहली ऊर्जा होती है वो दाब ऊर्जा होती है जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके बाद एकांक आयतन की जो गतिज ऊर्जा होती है वो हाफ रो भी स्क्वायर होती है, और फिर स्थितिज ऊर्जा रो जी एच होता है और यह कांस्टेंट होता है। यह बर्नौली के प्रमेय का सूत्र रूप है। अब जरा ध्यानपूर्वक आप देखें, अगर हम दो बिंदुओं को मान करके चलें तो पहले बिंदु के लिए दाब ऊर्जा P1, द्रव का वेग V1, ऊंचाई H1 होगा, और दूसरे बिंदु के लिए देखा जाए तो दाब P2 और प्लस ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा रो जी H2 इजकल टू कॉन्स्टेंट। अब अगर हम दोनों के राइट साइड को इक्वल कर लें और देख रहे हैं राइट साइड इक्वल है, तो अगर दोनों का राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हो जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा रो सी H2। तो ये बर्नौली के प्रमेय को हम सूत्र रूप में लिखे हैं और यह दो बिंदुओं पर अप्लाई किया गया है। अब हम लोग बर्नौली के प्रमेय का सत्यापन देखेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे। एग्जाम में आपसे कहा जाता है कि बर्नौली का प्रमेय लिखिए एवं इसका सत्यापन कीजिए, तो अब हम लोग बर्नौली के प्रमेय का सत्यापन यानी कि प्रूफ करने जा रहे हैं। तो देखें बर्नौली के प्रमेय का सत्यापन क्या है। हम मान लेते हैं असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की कोई नली XY है जिसकी क्षैतिज से ऊंचाई क्रमशः H1 और H2 है, यक्ष सिरे पर दाब P1 है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A1 है, द्रव का वेग V2 है, वाई सिरे पर दाब P2 है,
अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A2 है, द्रव का वेग V2 है, और फिर इसमें रो घनत्व का जो द्रव है वह धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो यक्ष सिरे से जब द्रव को प्रवाहित किया जाएगा तो ध्यान समझ लीजिए, यक्ष सिरे से द्रव को प्रवाहित करने के लिए द्रव पर कार्य किया जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि यक्ष सिरे पर द्रव को प्रवाहित होने में किया गया कार्य कितना होगा। तो हम नोट कर लेते हैं, यक्ष सिरे से द्रव को प्रवाहित होने में किया गया कार्य द्रव पर किया गया कार्य, क्योंकि जब द्रव को प्रवाहित करना होता है तो द्रव पर कार्य किया जाता है, द्रव पर किया गया कार्य अब कार्य को अगर हम W1 मान लें तो आप जानते हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, तो बल हो जाएगा F1 और विस्थापन को हम मान लेते हैं S1। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो यहाँ पर यक्ष सिरे से द्रव को लिख देना चाहिए कि 1 सेकेंड में प्रवाहित होने में किया गया कार्य, 1 सेकेंड में जब द्रव प्रवाहित होगा तो कितना कार्य होगा। यक्ष सिरे से द्रव को 1 सेकेंड में प्रवाहित होने में किया गया कार्य अगर W1 है तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, आपको मालूम है कि P = होता है F/A। अगर यहाँ से F की वैल्यू निकालें तो P * A हो जाएगा, लेकिन F1 की वैल्यू निकालें तो P1 * A1 हो जाएगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, आपको मालूम है सूत्र कि दूरी बराबर होता है चाल और गुणे होता है समय। तो अब देखिए, दूरी अगर S1 है तो चाल है V1 और समय है एकांक, समय है 1 सेकेंड। तो यहाँ से S1 = हो जाएगा V1। कहने का मतलब ये है कि द्रव के द्वारा 1 सेकेंड में चली गई जो दूरी होती है वह द्रव के वेग के बराबर होती है। तो अब देखें, ये वैल्यू हम यहाँ रख लेते हैं, F1 के जगह पर P1 A1 और S1 के जगह पे हो जाएगा V1। तो ये क्या निकला है, यक्ष सिरे से द्रव को 1 सेकेंड में प्रवाहित होने में किया गया कार्य। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो द्रव जब अंदर गया तो द्रव बाहर निकलेगा, तो जब द्रव बाहर निकलता है तो बाहर निकलते समय द्रव के द्वारा कार्य किया जाता है, अंदर भेजने के लिए द्रव पर कार्य किया जाता है, और जब वही द्रव बाहर निकलने लगता है तो द्रव के द्वारा कार्य किया जाता है। तो अब लिखा जाएगा वाई सिरे से द्रव को बाहर निकलने में 1 सेकेंड में किया गया कार्य, 1 सेकेंड में किया गया कार्य। अब देखिए, द्रव को अंदर भेजने के लिए द्रव पे किया जाने वाला कार्य W1 था, और बाहर निकलने के लिए हम मान लेते हैं कि द्रव के द्वारा किया गया कार्य W2 है। तो अब यहाँ से हम W2 की वैल्यू निकालेंगे
तो बिल्कुल यही हो जाएगा, पी टू हो जाएगा, ए टू हो जाएगा, भी टू हो जाएगा। यक्ष सिरे पर पी वन ए वन भी वन था और वाई सिरे पर पी टू ए टू भी टू है। अब जरा आप ध्यान पूर्वक देखें, अब हम लोग ये देखें कि कुल कितना कार्य किया गया है। एक सेकंड में द्रव को प्रवाहित होने में कुल किया गया कार्य, या द्रव कुल किया गया कार्य यहाँ नोट कर लेते हैं, तो कुल किया गया कार्य ज्ञात करने के लिए हमको W1 में से W2 को माइनस करना पड़ेगा। भेजने में कितना कार्य किया गया और द्रव को बाहर निकलते समय द्रव के द्वारा कितना कार्य किया गया, इन दोनों का हम अंतर निकालेंगे। तो देखें W1 की वैल्यू P1 A1 V1 और W2 की वैल्यू P2 A2 V2। अब यहाँ पर एक बात और समझना है, हम लोग अविरतता के सिद्धांत में देखे थे, अविरतता के सिद्धांत में ये देखा गया था, और देखें बर्नौली का प्रमेय तभी लागू होता है जब द्रव अविरत रूप से प्रवाहित होता है, यानी द्रव कंटिन्यूअसली फ्लो होता है। तो जब द्रव कंटिन्यूअसली फ्लो होता है तो उसके ऊपर अविरतता का सिद्धांत लागू होता है। और आपने देखा था कि ए वन भी वन इज इक्वल टू ए टू भी टू होता है और यह कांस्टेंट के इक्वल होता है। अब ए वन का क्या मतलब हुआ, तो ए वन का मतलब अगर ए है तो ए ये क्षेत्रफल होता है और क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। और भी वन क्या है, भी वन हमने बताया था एक सेकंड में द्रव के द्वारा चली गई दूरी, जिसको हम ऊंचाई मान सकते हैं। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यह आयतन हो जाता है। तो अब के जगह पे हम लिख सकते हैं आयतन, और आपको मालूम है कि आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटा घनत्व, क्योंकि द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। तो यहाँ से आयतन की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा द्रव्यमान और बटा में हो जाएगा घनत्व। अब चलें इस वैल्यू को हम यहां रख देते हैं, मतलब ए वन भी वन के जगह पर भी यम बाई रो रखेंगे, ए टू भी टू के जगह पर भी हम यम बाई रो रखेंगे। तो अब देखें क्या हो जाएगा, ये हो गया यम बाई रो भी वन और माइनस हो जाएगा यम बाई रो भी टू, या अगर यहां से हम यम बाई रो कॉमन ले लेते हैं तो ये मिलेगा आपका, देखें यम बाई रो और ये हो गया भी वन माइनस भी टू, यानी ये रहा किया गया कुल कार्य। अब आप जरा ध्यान पूर्वक देखें, यहां से देखिए गड़बड़ी हुई है, ए वन भी वन के जगह पे यम बाई रो होगा, ए वन भी वन के जगह पे एम बाई रो होगा ना, तो पी वन तो रहेगा ही, ए वन भी वन के जगह पे यम बाई रो और माइनस पी टू ए टू भी टू के जगह पे हो जाएगा यम बाई रो। अब यहाँ से हम एम बाई रो कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा पी वन माइनस पी टू और ये हो गया यम बाई रो, यानी ये रहा द्रव पर किया गया कुल कार्य। अब हम लोग जरा देखेंगे कि यक्ष सिरे पर द्रव की गतिज ऊर्जा, क्योंकि द्रव के अंदर दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा तो तीनों होती है। तो यक्ष सिरे पर गतिज ऊर्जा मान लेते हैं K1 और वाई सिरे पर गतिज ऊर्जा जो है K2 है। तो गतिज ऊर्जा अगर हम K1 की वैल्यू निकालें तो K बराबर आपको मालूम है कि हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो K1 की वैल्यू निकालेंगे तो हाफ एम वी वन स्क्वायर हम निकालेंगे। हम मान लेंगे कि प्रवाहित होने वाले द्रव का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल यम है। अब अगर इसी तरह से हम K2 की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा हाफ यम और भी टू का स्क्वायर। अब जरा ध्यान पूर्वक देखना होगा,
यक्ष सिरे पर द्रव का वेग कम होगा और वाई सिरे पर द्रव का वेग अधिक होगा। तो जहाँ वेग कम होता है वहाँ गतिज ऊर्जा कम होती है, जहाँ वेग अधिक होता है वहाँ गतिज ऊर्जा अधिक होती है। इसका मतलब K2 का मान अधिक होगा और K1 का मान जो है कम होगा। तो इस प्रकार हम लोग गतिज ऊर्जा में होने वाला कुल परिवर्तन निकाल लें डेल्टा के, और ये हो जाएगा K2 माइनस K1। हम वैल्यू रख देते हैं, K2 की वैल्यू हो जाएगा हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 स्क्वायर। अब इसमें से अगर हाफ एम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो ये गतिज ऊर्जा में होने वाला कुल परिवर्तन निकला। अब अगर हम देखें कि स्थितिज ऊर्जा में कुल कितना परिवर्तन हो रहा है, तो देखिए हम यक्ष सिरे पर स्थितिज ऊर्जा को U1 और वाई सिरे पर स्थितिज ऊर्जा को U2 अगर मान लें, तो देखें U = होता है MgH। तो U1 की वैल्यू निकालेंगे MgH1 हो जाएगा, और फिर यहाँ से U2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा MgH2। अब जरा ध्यान से देखें, जहाँ गतिज ऊर्जा अधिक होती है वहाँ स्थितिज ऊर्जा कम होती है, और जहाँ गतिज ऊर्जा कम होती है वहाँ स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है। तो यक्ष सिरे पर गतिज ऊर्जा कम है इसलिए यक्ष सिरे पर स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी, यानी U1 का मान अधिक होगा और U2 का मान कम होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थितिज ऊर्जा में होने वाला कुल परिवर्तन कितना है। इसके लिए U1 माइनस U2 करेंगे और फिर देखें क्या मिल जाएगा, MgH1 माइनस MgH2। हम चाहते तो यहाँ से MG कॉमन भी ले लेते, तो अगर हम MG कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा H1 माइनस H2। अब ऊर्जा में होने वाला कुल परिवर्तन हम ज्ञात कर लें कि ऊर्जा में कुल कितना परिवर्तन हुआ। ये तो गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन रहा, ये स्थितिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन रहा। अब हम देखेंगे द्रव की ऊर्जा में होने वाला नेट परिवर्तन। तो अगर द्रव की ऊर्जा में होने वाला नेट परिवर्तन डेल्टा ई हो तो ये हो जाएगा डेल्टा के, यानी गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन माइनस स्थितिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन। अब हम यहाँ रख देते हैं डेल्टा ई = डेल्टा के की वैल्यू आपने देखा हाफ एम, और ये हो गया था V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, और माइनस स्थितिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन आपने देखा ये हो गया MG, और यहाँ मैं लिख देता हूँ ये H1 माइनस H2। तो एक अब देखिए यहाँ ये किया गया कुल कार्य निकला है ये, और कुल ऊर्जा निकली है ये। आपको मालूम है कार्य ऊर्जा प्रमेय से कि किया गया कार्य जो है ऊर्जा के बराबर होता है। तो किया गया कार्य हम जो देखे थे, अगर किए गए कुल कार्य को हम डेल्टा W से प्रदर्शित करें और कुल ऊर्जा को हम डेल्टा E से प्रदर्शित करें, तो कार्य में होने वाला परिवर्तन ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है। तो कार्य में होने वाला जो परिवर्तन है ये हो जाएगा आपका P1 माइनस P2, और ये हो जाएगा M/ρ, और फिर डेल्टा ई की जो वैल्यू है वो हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा MgH1 माइनस H2 हो जाएगा। अब ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, यम यहाँ भी है, यम यहाँ भी है, यम यहाँ भी है। तो अगर दोनों पक्षों में हम यम से भाग दे दें तो यम कट जाएगा।
अब हम रो का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो फिर देखें क्या मिलेगा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, हम रो का मल्टीप्लीकेशन भी कर देते हैं और हाफ का भी मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर और माइनस हो जाएगा हाफ रो V1 स्क्वायर, फिर रो का यहाँ गुणा करेंगे, यम कैंसिल हो गया, जी बचा है, तो ये हो जाएगा माइनस रो जी एच वन, और फिर माइनस का माइनस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा रो जी एच टू। अब हम एक काम करें, वन को एक तरफ कर दें, टू को दूसरे तरफ कर दें, तो ये देखें ये है पी वन और फिर हाफ रो भी वन स्क्वायर को लेफ्ट में लाते हैं तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया हाफ रो भी वन स्क्वायर और फिर ये जो माइनस रो जी एच वन है इसको बराबर के पहले कर देते हैं तो प्लस हो जाएगा रो जी एच वन, और इसके बाद माइनस पी टू को अगर हम बराबर के दूसरे तरफ कर दें तो ये हो जाएगा प्लस पी टू और फिर ये लिख देते हैं हाफ रो भी टू स्क्वायर और लिख देते हैं रो जी एच टू, यानी एक सिरे पर की यक्ष सिरे पर की सभी प्रकार के ऊर्जाओं का योग वाई सिरे पर के सभी प्रकार के ऊर्जाओं के योग के बराबर है। और आपने देखा कि ये चीज यही चीज वहां मिला है, पी वन प्लस हाफ रो भी वन स्क्वायर प्लस रो जी एच वन इजकल टू पी टू प्लस हाफ रो भी टू स्क्वायर प्लस रो जी एच टू, और ये चीज तब प्राप्त हुआ है जब बर्नौली का प्रमेय अप्लाई हुआ है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए पी वन पी टू के जगह पे पी लिख देंगे और ये हो जाएगा हाफ रो भी वन स्क्वायर भी टू स्क्वायर के जगह पे भी स्क्वायर कर देंगे और रो जी एच वन रो जी एच टू है तो इसके जगह पे हम रो जी एच कर देंगे और फिर बराबर के बाद, अब देखिए जब कई राशियां आपस में बराबर होती हैं तो अंत में यह किसी कांस्टेंट के बराबर होता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं ये बर्नौली का प्रमेय सत्यापन होता है, प्रूफ होता है, यहाँ हम लिख देंगे दैट प्रूफ्ड, यानी बर्नौली के प्रमेय का सत्यापन हुआ। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज और हम देख सकते हैं, देखें अगर हम रोजी से दोनों पक्षों में भाग दे दें तो रोजी से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे तो ये मिलेगा आपको पी अपान रोजी, और देखें रोजी से इसमें भाग देंगे तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा भी स्क्वायर अपान टू जी, और फिर रोजी से यहाँ भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा यच इजकल टू, अब के अपान रोजी करेंगे तो रो द्रव का घनत्व है, जी गुरुत्वीय त्वरण, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है और जब किसी कांस्टेंट में कांस्टेंट से भाग देते हैं तो यह कांस्टेंट ही मिलता है। फिर यहाँ देखें यहाँ पर क्या है, ये जो पी अपान रोजी आप देख रहे हैं इसको हम कहा करते हैं दाब शीर्ष, पी अपान रोजी दाब शीर्ष कहलाता है। अगर आपसे दाब शीर्ष की गणना करने के लिए कहेगा तो पी अपान रोजी कहेंगे, अब अगर आपसे वेग शीर्ष की गणना करने के लिए कहता है तो देखें ये भी स्क्वायर अपॉन टू जी जो होता है ये वेग शीर्ष कहलाता है, भी स्क्वायर अपॉन टू जी, और यच को गुरुत्वीय शीर्ष कहते हैं, ये गुरुत्वीय शीर्ष कहलाता है, गुरुत्वीय शीर्ष ये यच होता है। तो इस प्रकार आप देखें ये है दाब शीर्ष वेग शीर्ष और गुरुत्वीय शीर्ष। अब यहाँ पर जो बर्नौली का प्रमेय है ना, बर्नौली के प्रमेय को अब दूसरे रूप से हम कह सकते हैं, और दूसरा रूप क्या होगा, हम ये कह सकते हैं कि जब कोई असंपिंड तथा अस्यान द्रव असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में धारा रेखी प्रवाह में बहता है तो नली के प्रत्येक बिंदु पर का दाब शीर्ष वेग शीर्ष
और गुरुत्वीय शीर्ष का जो योग होता है वह एक कांस्टेंट होता है, यह बर्नौली के प्रमेय का परिवर्तित रूप है। तो इस प्रकार ये बर्नौली का प्रमेय आज आपने देखा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है बर्नौली के प्रमेय का स्टेटमेंट और फिर सत्यापन, इसको आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे। और हमें उम्मीद है कि ये जो इम्पोर्टेंट टर्म है यह आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।